मेरे साथ मौजूद हैं डीजे लकी, ये पंजाबी और उर्दू रैपर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। और हमारे साथ मौजूद हैं रैप्टर, जो कि पाकिस्तान के फास्टेस्ट रैपर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। रैपिंग जो है जनरली एक मतलब ऑफ कोर्स एक म्यूजिकल टैलेंट भी है, मगर एक कैफियत भी है एट द सेम टाइम, वेयर आप अपनी जिंदगी के जो भी स्ट्रगल्स होते हैं उसके बारे में उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो आपके ख्याल में आप लोग जब रैप करते हो तो आप कौन कौन से स्ट्रगल्स को अपनी लाइफ के एड्रेस करते हो? ऐसे जो मतलब हमारी लाइफ में गुजरे हों या जो भी चल रहे हैं, ठीक है, और कुछ अपना कल्चर में देख लेते हैं, कुछ हालात ऐसे चल रहे होते हैं लोगों को देख के, मतलब माहौल के हिसाब से उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखते हैं। इसीलिए जो ना रियलिटी पे बेस्ड, जो आपके ऊपर हो रहा है, जो आसपास हो रहा है, उस चीज़ को बयान किया जाता है रैप के ज़रिए, बीवाइंग डांस के ज़रिए। हिप हॉप के 5 एलिमेंट्स होते हैं, तो वो सारे जो है ना इसी तरीके से जो आपके माहौल में हो रहा है ना उसको बयान किया जाता है। और ग्रेफिटी होती है इसमें। मैं यहाँ पे ये समझना चाहती हूँ कि रैप के लिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत है या जनरली नेचुरली आता है? नहीं, ट्रेनिंग तो नहीं है इसके लिए, मतलब नेचुरल अंदर से ही निकलता है। बंदा लिखना शुरू करता है जब आसपास जो देखता है, एक शायर पहले बनता है, बाद में वो रैपर बनता है। तो माहौल में अगर हो तो आप खुद ही सीख जाते हैं उस चीज़। ज़बरदस्त। मेरे ख्याल में हम लोग अगर आप लोग परफॉर्म हमारे लिए अगर एक कर दें कोई एक गाना, तो ज़बरदस्त हो जाएगा। सो इफ यू गाइस कैन स्टार्ट अ सॉन्ग। या माइक ये पड़ा है, ट्राई करें, स्टार्ट करें। अब दुनिया है दोज़ख के अंदर, दिलों की ज़मीनें हैं बंजर, ये नफ़रत से भरे हैं इंसान, ये लगता कयामत का मंजर। अब दुनिया है दोज़ख के अंदर, दिलों की ज़मीनें हैं बंजर, ये नफ़रत से भरे हैं इंसान, ये लगता कयामत का मंजर। देखो दुनिया की कितनी बुराइयाँ, कलम उठा के मैं लिखूँ सच्चाइयाँ, यहाँ तेरे जैसे कितनों को दुनियादारी मार गई, कितनों की ज़िंदगी उजाड़ गई, घर में खाने को पैसे नहीं और तेरे जैसे चोरे होके गलियों में घूमे, माँ के पास तेरे 4-5 जोड़े और बच्चे हर हफ्ते ने कपड़ों में घूमे, गली के कोनों में लड़कों की टोली वो चरस की सिगरेट को स्वैग बताते हैं, YS जैसे कुछ ऐसे रैपर्स जो गालियों से भरे गाने यूथ को सुनाते हैं, लड़की रहती माँ बाप से डर के पर सारा दिन रहती वो घर पे बैन तेरी टिकटॉक बना रही, खूबसूरती बदन की वो सबको दिखा रही के फॉलो लाइक्स के पीछे पड़ के सज दज के रोज नई वीडियो में आ रही, हाँ मुंह पे तो बोलता नहीं कोई, पीठ पीछे बोले बहन इसकी हॉट होती जा रही, यो यार न दोस्त का किसी का ब्रो, एक लड़की के पीछे ही पागल है सो, लड़की भी शानी है हस्बैंड है जॉब पे बॉयफ्रेंड बना के रखे उसने दो। अब दुनिया है दोज़ख के अंदर, दिलों की ज़मीनें हैं बंजर, ये नफरत से भरे हैं इंसान, ये लगता कयामत का मंजर। वाओ, ओके, जबरदस्त, दैट वाज इनसेन। ये आपने गाना कब बनाया? ये मेरा रिसेंटली एक दो हफ्ते में रिलीज हुआ है। एक दो हफ्ते में रिलीज हुआ है, हो चुका है। दिस इज इनसेन, बिकॉज ये बिल्कुल इस वक्त डिस्क्राइब कर रहा है जो कि बहुत सारे यू नो एरियाज में, घरों में चल रहा है। कड़वी बातें हैं बट वो सबके लिए नहीं है, बट है ये चल रहा है। ऑफ कोर्स कड़वी बातें हैं, मगर मेरे ख्याल में यू नो वो कड़वी बातों को कहना और फिर उसको एड्रेस करना इज ग्रेट। आई थिंक इट्स अमेजिंग, दैट्स रैप। और कभी ऐसा होता है कि कोई आपका गाना सुन के कहता है कि यार तुम्हारा कुछ ज्यादा ही, मतलब ज्यादा हो गया? कभी नहीं, ऐसा नहीं, वो उनको जो सुनते हैं ना उनको पता है इसमें तो आपकी लिमिट ही नहीं है, हिप हॉप में तो लिमिट ही नहीं है, आप क्रॉस द लिमिट कर सकते हो, जितनी भी कर सकते हो आप, गुस्से में हो अपना गुस्सा निकाल सकते हो सिंगिंग के ज़रिए, किसी आर्टिस्ट के ऊपर डिस्ट्रैक्ट बना दिया आपको उसके ऊपर गुस्सा है, या पॉलिटिशियन, ये सब तो चलता है इसमें। सो रैप के अंदर आप मतलब यू नो इट्स लाइक एन आर्ट मीडियम जिससे कोई लिमिट नहीं है, एक्सप्रेस कर लो। बिल्कुल। और ये वाला गाना आपने क्या सोच के लिखा? ये बस है, कुछ माहौल चलता है ऐसा देखा हुआ आप, और आपको उसके ऊपर मतलब वो था कि ये आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। बिल्कुल, जबरदस्त। मुझे बताएं कि आप लोग सुनते किस किस को हैं? सुनना लिसनिंग थोड़ी कम हो गई है, पहले ये कि बहुत सुना है, सबको सुना है, अभी अपने कामों में इतने मसरूफ रहते हैं, स्टूडियो भी हमारा अपना खुद का ही है, म्यूजिक प्रोडक्शन हो गई और ये क्लाइंट्स के काम और सारी चीज़ों में वक्त नहीं मिलता ज़्यादा सुनने का, कभी फ्री होते हैं तो सुन रहे होते हैं। ओके। सारे इंग्लिश रैपर ही होते हैं, टू पाक को भी आज भी सुनते हैं हम, बिगी को सुनते हैं, मतलब वो ये ऐसी चीज़ है ना, ये कभी भी सुनते रहो तो अच्छी लगती हैं, फ्रेश लगती हैं बिल्कुल। बाकी नए में इंडियन के कुछ रैपर्स हैं, रफ्तार वगैरह हो गए, अभी आजकल
MTV असल चल रहा है, उधर से कुछ अच्छे रैपर्स निकल रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, तो बस चलता रहता है, जो चल रहा होता है मार्केट में, नज़रों में आता है उसको देखते हैं। मुझे ये बताएं कि कभी आपके पास अगर यंग कोई आते हो, यू नो यंग लोग जो कि रैप करना चाहते हों, या यू नो आपको टैलेंट उनमें नज़र आए, तो आप उनको किस तरह इनक्रेज करते हो? हमारे सपोर्ट करते हैं, ये ऑडियो इनका अपना स्टूडियो है, कुछ ऐसे काफ़ी आर्टिस्ट हैं जिनके मतलब वो नहीं होते अखराजात के, वो गाना बना सके, अफोर्ड कर सके, तो काफ़ी कम बजट में ये करके देते हैं उनका ऑडियो। हाँ, मुनासिब मतलब जो अफोर्ड कर सकें उसमें, उनका मतलब उनका शौक भी पूरा हो जाए और उनका पेशन भी बना रहे, वो काम भी करते रहे, तो जितना मेरे से हो सकता है हमसे हो सकता है हम लोग करते हैं। ज़बरदस्त, तो आप मतलब उनको सपोर्ट करते हो। एंड देन मुझे बताएं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में रैप की जो ऑडियंस है वो बढ़ रही है या कम हो रही है? रैप की ऑडियंस बढ़ तो रही है, मगर वो एक होता है ना प्योर रैप का, अभी भी 90% लोगों को नहीं पता कि रैप है क्या, मतलब सुन रहे हैं जैसे कि गाने चल रहे हैं, गाने के अंदर बस पता है कि भाई ये गाना है ये रैप है, मगर वो उसके पीछे हो क्या रहा है, वो बात क्या करना चाह रहा है, उस वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। रैप के अंदर फ्लो होते हैं बहुत सारे, फ्लो क्या होते हैं लोगों को नहीं पता। यहाँ पे कोई भेड़ चाल चल रही, कोई एक अच्छा फ्लो किसी का हिट हो गया तो सारे उसी को कॉपी करके वही व्यूज छाप रहे हैं। हाँ, exactly. वो एक उसी की वाइब हर बंदे में आ रही, तो वो फिर ऐसी चीज़ें ना फिर हिप हॉप को गिरा देंगी, क्योंकि वो एक ही चीज़ बार बार सुनने को मिलेंगी। अगर हम दूसरे कंट्रीज़ में चले जाए तो वहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्लोज हैं, इतने फ्लोज हैं, हर बंदे की एक अलग ही वाइब है। हर बंदा रैप के लिहाज से नहीं, वो अपने फ्लो के लिहाज से पहचाना जाता है कि उस बंदे का फ्लो ऐसा है। ओके, और यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी कम है अभी। मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कौन से और रैपर्स हैं जिनको आप लोग मतलब हु यू लाइक, आपको जो पसंद है? पाकिस्तान में बहुत कम मतलब कुछ ऐसे अंडररेटेड आर्टिस्ट हैं जो शायद आप भी नहीं जानती हूँ किसी को। मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो काम करते हुए मुझे लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा कर रहा है, तो मगर ये कि कोई इतने फेमस नहीं है, दो चार गाने हैं उनके, मगर ये कि जो फेमस हैं उनसे तो बहुत बेहतर है वो आर्टिस्ट। हम आपसे बातचीत कर रहे थे ओवररेटेड और अंडररेटेड रैपर्स की, जो कि मेनस्ट्रीम हो, जैसे हम मतलब मुझे नाम तो पता हो ना यार उनका, तो आपके ख्याल में ओवररेटेड कौन है? देखें, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ऑफ कोर्स, आपका पर्टिकुलर टेस्ट क्या है? मैं देखना चाहती हूं मैं मैच करता या नहीं। हमें यंग स्टार्स वाली जो वाइब है ना वो हम लोगों को नहीं पसंद, वो एक टाइम तक अच्छी थी और मुझे भी, मेरे लिए बोरिंग हो गया। सेम बिल्कुल वही चीज़ चले जा रही है, और जितने भी छोटे छोटे नए नए लड़के जो काम कर रहे हैं वो भी सेम वही वाइब पसंद कर रहे हैं, वही करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अपना नया नहीं ला रहे। एक होता है ना एक बंदे की पर्सनैलिटी के हिसाब से उसका वो कि ये चीज़ इसने बनाई है, इसका ये फ्लो है। अब रैप थोड़े फास्ट इस रैप के अंदर बहुत अच्छा है, फ्लो स्विच बहुत अच्छे करता है, ये चीज़ दूसरों में नज़र नहीं आ रही है वो, क्योंकि उस उनकी लिसनिंग पावर अच्छी नहीं है, जिसको सुन रहे हैं वही कर रहे हैं, वही पाकिस्तान में चल रहा है। और कौन अंडररेटेड है जिसको उतना? अंडररेटेड बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मतलब मुझे फारिश शफी बहुत पसंद है, ईवा भी बहुत पसंद है, और इसके अलावा कुछ रैपर जैसे हैं पुराने जो अभी जिन्होंने काम छोड़ दिया है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफी अंडरग्राउंड वगैरह है। ठीक है, एक्सपोलेंडार, एक्सपोलेंडार बहुत अच्छा है, वेरी सीनियर और अमेजिंग, बहुत अच्छा है। यस, वेरी वेरी, देखिए ये इन लोगों को होना चाहिए जगह पे, एक्सपोलेंडार का बहुत पुराना है मतलब, एंड ही इज वेरी गुड, वेरी गुड, एंड और यू राइट, उनके सारे गाने डिफरेंट हैं, काफी एक दूसरे से भी वो अंडररेटेड, वाइब डिफरेंट है। आई एग्री, अगर आप माइंड ना करें रैप से तो हम आपसे कुछ जरा गाना सुने। बिल्कुल, प्लीज इनकी फाइल प्ले करें। वेला वांगू तीर लगी जावे, नेवर टाइम बैक, मुंडे वांगू सेंस नाम लेरी गली वाइन ब्लैक, हे होल्ड ऑन माय इमिकोस वी पर्ट्रल्स नो स्टडी को मुंडे वर्क होली फॉर फॉली ब्लड एंड क्रिप्स वाले फ्लैग। वेला वांगू तीर लगी जावे, नेवर टाइम बैक, मुंडे वांगू सेंस नाम लेरी गली वाइन ब्लैक, हे होल्ड ऑन माय इमिकोस वी पर्ट्रल्स नो स्टडी को मुंडे वर्क होली फॉर फॉली ब्लड एंड क्रिप्स वाले फ्लैग। अच्छे खासे रैपरों की खोल खा ली, टाइम बैक मेरा काम बड़ा हाई फाई, बड़े बड़े लोग करते हैं भाई भाई, हिप हॉप पे लगाई मैंने पाई पाई, ऐसे नहीं सीखा मैंने चोट बड़ी खाई खाई, जाना था छठी में पहली बार, हिप हॉप होता है क्या समझ ना पाया, पर मजा बहुत आया, जो मैंने सुना वही सबको सुनाया, तब सोचा भी ना था कि करूँगा गाना, मैं रट्टा लगाता गया,
रक्त सी लगी फिर नशा सा हुआ मैं सबको बुलाता गया, लोगों के सामने करता था रैप मजाक उड़ाते थे लोग, आज वही लोग मेरे मुंह में लेने के बहाने को ढूंढते रोज। 17 की उम्र में गाना था पहला मैं करता भी क्या साला मैं था अकेला, ना जाने के कितनों ने फायदा उठाया ना जाने के कितनों ने दिल से खेला, मुश्किल को झेला ये लाइफ जमेला, पर करता गया मैं तो गाने पे गाना, कुछ भी ना हासिल वसूल था घर से भी मिलता था ताने पे ताना, हिम्मत ना हारी में लगा रहा मानो कि मैं छोटा भीम था, हिप हॉप से पैसा कमा रहा आज मेरा खुदा पे यकीन था, आज घर में ही बना स्टूडियो मेरे ख्वाबों का जो कभी सीन था, नियत साफ होगी मंजिल भी हासिल में शुरू से शादी का मीन था। Never time back, Larry Kelly rhyme black, work all it perfect on the beats while the flags bera wangu tir langi jave, never time back, Larry Kelly rhyme black, hey hold on my egos we turtle no study come unde, work all it perfect on the beats while the flags। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं गाड़ी में ऐसे ऐसे गाड़ी चलाऊं। बट वेरी वेरी गुड बाय द वे, जबरदस्त। मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने आप लोगों के करियर्स को हेल्प किया है या हिंडर किया है? सोशल मीडिया तो हेल्प ही किया है, मतलब बहुत इजी हो गया ना सबके लिए, हमारे लिए भी और दूसरे आर्टिस्ट के लिए, कोई भी गाना करना चाहे उसके लिए क्या। अच्छा, हम लोग जब करते थे स्टूडियोज हमें नहीं मिलते थे, बहुत कम लिमिटेड स्टूडियोज होते थे, बड़े महंगे महंगे स्टूडियोज होते थे। एक गाना वैसे बनाने के लिए स्टूडियो टाइम कितना महंगा होता है उस टाइम पे? तो देखें उस वक्त तो इतना कम था, मतलब आज तो मैं समझ लें 20,000-25,000 में गाड़ियों बना देता हूँ, उस वक्त हम लोगों ने खुद 50,000-50,000 रुपये गाड़ियों बनवाए खाली। ओके, अभी ये कि अभी थोड़ा सा इजी हो गया सीन, बड़ा यूट्यूब पे काफ़ी काले गोरों को देख के लोग सीखने लग गए हैं, करने लग गए हैं खुद से। ओके, तो अभी इजी हो गया काफ़ी सोशल मीडिया के जरिए, वही सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। सही, तो आसान है अभी, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अभी ये कि स्टूडियोज़ की तादाद बढ़ गई है, काम करने वाले ज़्यादा हो गए, तो इस वजह से जो है ना पैसे कम पैसों में भी काम कर दिया जाता है, मतलब नए लड़कों के लिए बहुत ईजी हो गया अभी। और मुझे बताएं कि कभी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है? अब नहीं, अब नहीं, पहले होती थी। वैसे तो स्कूल टाइम से ही मतलब स्टेज परफॉर्म करने की मतलब वो रही आदत रही है। हाँ। अब बिल्कुल नहीं होती, अब तो स्टेज पे जाके तो वो एक पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती बनते की, जब करते हैं ना स्टेज पे एनर्जी आती है तो डिफरेंट हो जाता है, अब आसान हो जाता है, खुद ही चेंज हो जाते, पता ही नहीं चलता हम थे कि नहीं थे, असल में भूल गए ना उसके अंदर, आदत नहीं हो गई तो बैठ के भी नहीं होता रहा, जब तक खेलो जूलो कूदो कूदो नहीं ना, जब तक काम नहीं बनते। फुल मतलब डूब के बंदा जब करता है ना वो बात अलग आती है। जबरदस्त जबरदस्त, जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज हम यूथ को ही देना चाहेंगे, मतलब छोटे जो भी नए नए आर्टिस्ट हैं, कि वो जो है ना हिप हॉप को समझें, हिप हॉप को पढ़ें, गूगल करें कि हिप हॉप बेसिकली है क्या, और अपना टेस्ट अच्छा करें, अच्छे लोगों को सुने, ताकि आपकी लिसनिंग पावर जितनी अच्छी होती है उतना अच्छा बंदा काम कर पाता है, वो बहुत बेसिक है। जबरदस्त, आप क्या बोलेंगे? मेरी तरफ से भी यही है कि अगर किसी को मतलब सॉन्ग वॉन्ग बनाने तो काफ़ी मेरे पास भी काफ़ी मैसेज आते हैं, भाई मुझे रैप आता है बट ये मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, म्यूज़िक नहीं बना सकता। तो आजकल तो यूट्यूब पे फ्री बीट्स के नाम से इतनी, अब कोई सुन रहा है तो उनको पता होना चाहिए कि यूट्यूब से आपने बीट उठाई, उसके अपना गाना लिखा, हाँ गाना लिखा उसके ऊपर, और मिक्स मास्टर तो फिर बहुत ही कम हो जाता है। एक चीज़ ये है बहुत के मतलब रैप ना क्वालिटी का मोहताज नहीं है, रैप के अंदर डजंट मैटर कि आपको बड़ा स्टूडियो चाहिए, अच्छी क्वालिटी का माइक चाहिए, या आप अगर करना चाहते हो, आप लिख रहे हो अच्छा, तो आप नेट पे इतनी फ्री बीट्स आप उठाओ, उसके ऊपर मोबाइल पे रिकॉर्ड करो, अपलोड करते रहो, आपको कोई रोक थोड़ी आपके लिरिक्स अच्छी होनी चाहिए, फ्लो रैप के लिए क्वालिटी मैटर नहीं, चीज़ लिख रहे हो वो आपसे मतलब इनके पास है, पंची होना चाहिए, लिरिक्स पंची होने चाहिए। थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का, बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज लवली लिसनिंग टू यू गाइस आल्सो।